एक चोर एक सेठ जी के यहां घुसा चोरी करने के लिए, तो उससे गलत फहमी ये हो गई कि उसको ये पता था कि ये सेठ हैं, इनके यहां बहुत धन होगा। और बहुत लोग ऐसे सेठ होते हैं कि बाहर से थप्पड़ मार मार के गाल लाल करके दिखाते हैं कि हमारा गाल लाल है तो हम टमाटर खाए हैं, असल में टमाटर कुछ होता नहीं। वो उधार ले ले करके अपनी इज्जत बनाए रहते हैं कि पता नहीं किसी समय ठीक हो जाएगा तो चल जाएगा, एक बार अगर इज्जत चली गई तो क्या होगा, तो उनके घर में कुछ नहीं होता। ऐसे ही किसी सेठ के घर में वो घुस गया और वो पति पत्नी बैठ करके रात को नींद आ नहीं रही थी, चिंता में बात कर रहे थे। अब चोर दुबक गया कि अभी तो ये जग रहे हैं, सो जाएं तब हम अपना काम करें। वो लोग आपस में पति पत्नी बात कर रहे थे, चोर सुन रहा था कि अब घर में तो कल के खाने का पैसा भी नहीं है, क्या करें। पत्नी कह रही थी आप कुछ करते नहीं हैं, क्या होगा, कल दोपहर का भोजन कैसे करेंगे पता है। अरे मान लो हम लोग तो भूखे रह जाएंगे, अगर कोई मेहमान आ गया अतिथि आ गया तो क्या होगा। बिल्कुल सोचते नहीं हो आप, गलत बात है ये। वो पति कहने लगा काहे को चिंता करती है, ये धन जो है ये प्रारब्ध से मिलता है, अगर प्रारब्ध होगा तो छप्पर 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 फाड़ के भगवान देगा, अगर प्रारब्ध में नहीं होगा तो हमारे घर का भी कोई चोर आकर के चुरा ले जाएगा। अब चोर बैठा ही था, उसने कहा हाँ हम चुराते तो हैं लोगों के यहाँ का, आधी बात तो इसकी सही लगती है लेकिन छप्पर फाड़ के, खैर इसके घर में कुछ नहीं है, समझ में आ गया यहाँ रात बिताना ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। काफी देर बैठे रहने के बाद चला, अब सवेरा होने वाला था, चला जा रहा था गांव के बाहर। वहां पर एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए पहले से गया था पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ मिट्टी खोद रहा था, इसने में घड़ा मिल गया उसको। उसने कहा अरे घड़ा है, लगता है कि सोना मोहरों का घड़ा किसी ने पहले दबाया रहा होगा, हमको मिल गया, अब हम बड़े आदमी बन जाएंगे। कहा पहले खोद के निकालो तो देखो तो इसके अंदर क्या है, पहले से ही कल्पना कर ले रहे हो। तो कहा हाँ हाँ ठीक कहती हो। अब वो चोर ने सुना कि अच्छा यहाँ धन है, वहां तो धन नहीं मिला यहाँ है, अब ऐसा करता हूँ कि बैठता हूँ पहले ये लोग निकाल लें, जब ये निकाल करके कहेंगे कि हाँ सोना मोहरें मिल गई तब हम प्रकट हो जाएंगे, तो या तो चुरा लेंगे कोई तरीके से और नहीं तो एक भाग तो हमारा हो ही जाएगा। तो वो बैठा रहा, वो कुमार पति पत्नी बेचारे बड़े परिश्रम से खोद करके उस कलश को निकालते हैं, और निकाल करके जैसे ही ढक्कन हटाते हैं वैसे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं बंद करो ढक्कन बंद करो। वो पत्नी कहती है क्या हुआ, कहा इसमें तो बिच्छू ही बिच्छू भरे हैं जी, तो बंद कर दिया। चोर ने कहा अच्छा बिच्छू ही बिच्छू भरे हैं, बंद घड़े में बिच्छू पैदा हो गए होंगे, कोई बात नहीं अब ये लोग चले जाएं तो ऐसा करता हूं कि अब दिन भर तो इसको रहने दो, घड़े को दबा के रख देते हैं, रात को सेठ जी के यहां चलेंगे और सेठ जी के यहां जा करके हम ये ऊपर से छप्पर से छेद करके यही बिच्छू उनके घर में डाल देंगे। बड़ा आया था कह रहा था कि छप्पर फाड़ के देता है देने वाला, तो दिन भर वो घड़ा वहीं पड़ा रहा। चोर भी तैयार होकर के रात को आया, घड़ा उठा करके किसी तरह से लेकर के सेठ जी के घर पे चढ़ गया, छप्पर में छेद किया और सुनने लगा कि क्या बात हो रही है, सो गए हैं कि जाग रहे हैं। वो पति पत्नी बेचारे क्या सोएं, भूखे पेट नींद कहाँ आती है, वो जगे बैठे थे। इतने में पत्नी आई, क्यों जी छप्पर फाड़ के आ गया तुम्हारा, दिन भर घर में बैठे रहे कहीं गए नहीं, कोई प्रयास तुमने किया नहीं, छप्पर फाड़ के देगा छप्पर फाड़ के देगा, कहाँ छप्पर फाड़ के देगा। चोर ने समझा कि यही समय सही समय है, जैसे हनुमान जी ने समझा था ना, जब सीता जी बैठी बैठी कह रही थी अवन इन्हें आवत एक उतारा, ऊपर अंगार हैं एक अंगारा नीचे गिर जाता तो उसी से मैं अपनी चिता सजा लेती, हनुमान जी ने सोचा सही समय है, ये जो भगवान की अंगूठी है इसमें जो रत्न लगा है वो भी चमक रहा है अंगारे की तरह से, इसी समय मैं ऊपर से टपका देता हूं।
तो तुरंत उन्होंने दीन मुद्रिका डारी तब और जन्म अशोक अंगार। अशोक ने अंगारा फेंक दिया है ऐसा सोच करके सीता जी उठी और तुरंत उन्होंने उठा लिया और तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित। अरे ये तो मुद्रिका है, लेकिन उठी तो थी अंगारा समझ कर। और हनुमान जी ने फेंका कब था? जब वो अंगारा मांग रही थी ऊपर से, तभी फेंका था। तो चोर ने समझा कि बिल्कुल हनुमान जी को जैसा समय मिला था अंगूठी फेंकने के लिए, वैसा ही समय हमको मिल गया है ये बिच्छू अंदर डालने के लिए। अब हम इसको ऊपर से नीचे बिच्छुओं को बरसाते हैं, इनकी सारी कहावत निकल जाएगी सेठ जी की कि छप्पर फाड़ के देता है। और ढक्कन खोला और ढक्कन खोल के देखा बिच्छू ही बिच्छू थे, पलट दिया और नीचे गिरने लगे झड़ 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 झड़। लेकिन ये क्या, ऊपर से चोर बिच्छू नीचे लुढ़का रहा था और नीचे खन 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 करके सोने की मोहरें बरस रही थी। अब वो सेठ उठा, उसने कहा ये क्या, ये देखो छप्पर फाड़ करके भगवान दे रहा है, मेरी बात सही निकल गई, प्रारब्ध से ही मिलता है, जिसका प्रारब्ध होता है उसको मिल ही जाता है धन, ना मिलने का कोई सवाल नहीं है। और जिसके प्रारब्ध नहीं होता है वो कितना ही प्रयास कर ले उसको नहीं मिलता, ये भी बात सही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सबका अनुभव है, बहुत से लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, नींद नहीं ले रहे हैं, बुरा भला सब कुछ कर रहे हैं कि मिल जाए धन, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। अब बहुत से लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पान खा करके क्लब का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, और लेकिन भगवान कहां से उनको धन दे रहा है पता ही नहीं चल रहा। ये लक्ष्मी जी जब आती हैं तो कैसे आती हैं पता नहीं है, जैसे नारियल के भी अंदर पानी आ जाता है, कहां से अंदर पानी जाता है, कोई छेद नहीं है नारियल के अंदर, और बिना छेद के पानी अंदर कैसे जाएगा, लेकिन पानी अंदर चला जाता है, फोड़ने पर निकलता है तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर पानी आ गया। कहां से पानी अंदर आता है जैसे पता नहीं चलता, ऐसे लक्ष्मी कहां से आती है ये लक्ष्मी वाले को पता नहीं चलता कि कैसे आई, आ गई दिखने लगी। और जब जाती है तो उदाहरण कवियों ने दिया है, गज भुक्त कपित्थवत, हाथी को कैंथा खिला दीजिए, उसके मुंह में कैंथा रखिए, पूरा का पूरा निकल जाएगा, और बाद में जब गोबर करेगा तो कैंथा पूरा निकल जाएगा, लेकिन जब बाद में कैंथा जब निकल जाए गोबर में उसको उठाओ तो उसके अंदर का सब कुछ समाप्त रहता है, केवल खोखला ही रहता है, एक छेद नहीं करता हाथी, लेकिन कैंथे के अंदर का जितना उसका रस है वो सब उस सोख लेता है। कैसे उसके अंदर का रस निकला कोई जान नहीं सकता, जैसे ऐसे ही जब जाने वाली लक्ष्मी होती है तो कैसे चली गई पता नहीं चलता, एक दिन जब हाथ खाली हो जाते हैं तब पता चलता है अरे हम तो कंगाल हो गए। तो लक्ष्मी के आने का भी किसी ने नहीं देखा, लक्ष्मी के जाने का भी किसी ने नहीं देखा, ये तो प्रारब्ध से आती है, प्रारब्ध होगा तो आएगी। जैसे सेठ के घर में, सेठ घड़ा खोदने भी नहीं गया, खोदा प्रजापति ने, उठा करके घर लाने भी नहीं गया, लाया चोर ने, बिना मजूरी दिए इन लोगों ने उसकी मजूरी कर दी और उसके घर में धन पहुंचा दिया। इस तरह से प्रारब्ध से धन आता है, इसलिए जो लोग ये मान करके धन कमाने के लिए परेशान हैं कि मेरे परिश्रम से धन आ जाएगा, वो बहुत बड़ी भूल में हैं। इस समय जिसको जितना मिला है वो उसके पूर्व के किए गए कर्म के अनुसार मिला है, ज्यादा मिला है तो ज्यादा उसका अपना कर्म है, कम मिला है तो कम उसका अपना कर्म है। इस समय जो आप कर रहे हैं उससे आगे मिलने वाला है, तो ये विचार करिए कि इस समय हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर सही कर्म किए रहेंगे तो प्रभूत धन संपदा इसी कर्म के परिणाम स्वरूप हमको आगे मिलेगी। अभी से अभी कुछ नहीं मिल रहा है, आप लोगों में से अधिकतर लोग किसान हैं, जिस समय बोते हैं उसी समय थोड़े काट लेते हैं, एक मौसम पूरा निकल जाता है तब जा करके फसल आप काटते हैं। नौकरी वाले जानते हैं कि एक महीना बीतने के बाद ही सेठ पैसे के बारे में बात करता है,
बीच में अगर एडवांस भी मांगने चले जाओ तो बात घुमा देता है, और अगर निर्लज्ज होकर बोल ही दो तो दो बात सुना देता है कि आप लोग तो रोज खड़े हो जाते हैं, ऐसा थोड़े होता है। कहां मिलता है पैसा तत्काल? समय लगता है परिपक्व होने में। उसी तरह से पहले जो कर्म आपने किए हैं आज उसका भोग रहे हैं, इस समय जो कर रहे हैं उसका आगे मिलने वाला है। इसलिए इस समय के कर्म को सही करो ताकि आगे सही मिले। इस समय का कर्म अगर गड़बड़ हो गया तो आगे भी अंधेरा है। इसलिए धन के लिए दीनता मत दिखाओ। प्रारब्ध में होगा तो कोई न कोई आकर के पैर पकड़ करके मना करके दे जाएगा, आग्रह करके दे जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कोई देने वाला नहीं है।